दोस्तों, मैं आपको दीवार पर टेप के साथ केला चिपकाने का तरीका दूं और इसी के साथ आपको इस चीज का हक भी देता हूं कि सिर्फ आप ही उस तरीके से दीवार पर केला चिपका सकते हैं। नाउ, इन दोनों चीजों के बदले में आप मेरे को कितने पैसे देंगे? खैर छोड़ो, आज हम बात कर रहे थे NFT के बारे में। आजकल आप हर किसी से सुन रहे होंगे कि मतलब NFT. अमिताभ बच्चन, सलमान खान ने भी अपने नए NFT प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, क्योंकि NFT की सेल्स वॉल्यूम बस एक ही साल में 2020 के क्वार्टर 3 से 2021 के क्वार्टर 3 में 13 मिलियन से 2.5 बिलियन हो गई है। और मार्क जकरबर्ग ने भी अपनी मेटावर्स वाली वीडियो में कहा है, जितनी भी चीजें आप मेटावर्स में करेंगे ना, वो सारी NFT पर ही बेस्ड होंगी। नाउ, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये NFT क्या है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप हजारों ऐसी वीडियोस और आर्टिकल्स देख सकते हो जो आपको बता देंगे कि आप NFT में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना सारा प्रॉफिट बना सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको NFT का दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाने वाला हूं, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और सोच रहे हैं NFT में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। नाउ दोस्तों, NFT क्या है, इस चीज को ना एकदम शॉर्ट में जानते हैं। NFT होते हैं नॉन फंजेबल टोकन। यहां पे फंजेबल का मतलब है रिप्लेसेबल, यानी नॉन रिप्लेसेबल टोकन। जैसे आप 100 रुपए के नोट से 10 रुपए के 10 नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हमारे बैंक नोट्स माने जाएंगे रिप्लेसेबल टोकन। पर NFT होते हैं नॉन रिप्लेसेबल टोकन, यानी आप एक NFT से दूसरी NFT को एक्सचेंज नहीं कर सकते। और NFT आर्टवर्क, वीडियो या ट्विटर के फाउंडर का सबसे पहला ट्वीट, यानी कोई भी डिजिटल फाइल हो सकती है। अब इस चीज को एकदम ध्यान से समझना, चाहे मैं इस ट्वीट को डाउनलोड कर सकता हूं, पर इसकी डिजिटल फाइल के एक्चुअल राइट्स इस फाइल के NFT के ओनर के पास ही होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक इमेज के इतने महंगे राइट्स खरीद कर ओनर को क्या ही फायदा होता है। दोस्तों, पहला बेनिफिट जिसके बारे में ज्यादातर NFT के सपोर्टर्स बात करते हैं और जो आज भी एग्जिस्ट करता है, और इसके बारे में रणवीर भाई के पॉडकास्ट में ज़ायनवर्स, जो इंडिया का सबसे पहला मेटावर्स है, उसके ओनर आए थे, उन्होंने भी NFT का ये बेनिफिट बताया था। दोस्तों, आप कोई गेम खेलते हैं, मान लो जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस, तो उसमें आप अपने टाइम और मनी इन्वेस्ट कर जो चीजें अचीव करते हो ना, तो वो आपकी प्रोग्रेस सिर्फ एक ही गेम तक रह जाती है, उस क्लैश ऑफ क्लैंस में ही। पर NFT के हेल्प से आप अपने आने वाले फ्यूचर में अपने गेम्स की प्रोग्रेस दूसरे गेम में भी ले जा सकेंगे। इसके अलावा उस प्रोग्रेस को आप और लोगों को भी सेल कर सकेंगे। नाउ दूसरा बेनिफिट NFT का ये है, जिसके बारे में NFT के बहुत बड़े सपोर्टर गैरी वेनरचक भी ये कहते हैं, हम जिस तरह के अपने लुक्स रखते हैं, कपड़े पहनते हैं या कोई भी चीज कलेक्ट करते हैं ना, उन चीजों से हम लोगों को इनडायरेक्टली ये दिखाते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। और दोस्तों, कोविड के बाद से आपने ये चीज खुद ही एक्सपीरियंस की होगी, बच्चे हो या बड़े, सब अपना ज्यादातर टाइम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े रहकर बिताने लगे हैं। तो आने वाले समय में, जैसा मार्क जकरबर्ग ने भी कहा है, ज्यादातर लोग मेटावर्स से जुड़ेंगे और वो वहां अपने एवेटार की मदद से मेटावर्स की दुनिया में ऑपरेट करेंगे। तो उस मेटावर्स के एवेटार के कपड़े, मेटावर्स में आपका घर, उसकी डेकोरेशन और इवन मेटावर्स में लैंड आपको NFT के फॉर्म में ही खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए लोग मानते हैं कि NFT के ट्रेंड में अगर अभी से इन्वेस्ट करोगे, तो आगे जाकर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों, चाहे आप जितना पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करो, पर एक बार को ऐसे आर्टवर्क देखकर सवाल आ ही जाता है कि यार ऐसे फालतू आर्टवर्क्स की क्या ही वैल्यू होगी, क्या ही वैल्यू होगी इनके फ्यूचर में। पर दूसरी तरफ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और इन्वेस्टमेंट गुरुज ये कहते हैं कि NFT एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और वो खुद भी इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज जानने से पहले एक बार ना, ये NFT के सपोर्टर्स जिन बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं ना, उनको एकदम लॉजिकली समझते हैं कि ये कितने रियल हैं। दोस्तों, पहला क्लेम, डिजिटल फाइल्स बिकमिंग आइडियोलॉजीज, इसको मैं आपको ना एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो में किसी भी लाइसेंस्ड YouTube सॉन्ग की अगर 5 सेकंड की ऑडियो क्लिप यूज कर लूं, तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगा और इस वीडियो से मैं एक पैसा नहीं कमा पाऊंगा। पर अगर यही मैं ये 69 मिलियन का आर्टवर्क अपनी वीडियो में यूज करता हूं, तो कुछ नहीं होता।
क्योंकि दोस्तों म्यूजिक के केस में ना ओनर के पास राइट है, जो कि है यूट्यूब लाइसेंस, और राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है यूट्यूब का कॉपीराइट लॉ, और उस लॉ को एग्जिस्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट है, वो है खुद पूरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पर एनएफटी आर्टवर्क के केस में राइट्स तो हैं इथेरियम ब्लॉकचेन की मदद से, पर उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं है, क्योंकि वो लॉ जहां एग्जिस्ट करेगा उससे रिलेटेड कोई एनवायरनमेंट ही नहीं है। अब दोस्तों क्योंकि ये चीजें डिजिटल हैं तो इनको एग्जिस्ट करने के लिए एक डिजिटल एनवायरनमेंट चाहिए, वो होगा मेटावर्स। तो ऐसे मेटावर्स ना आज भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप चीजें बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जैसे एक्सी इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड, रोब्लॉक्स। पर इन मेटावर्स में ज्यादा से ज्यादा लोग गेम्स खेल सकते हैं, अपना एवेटार बना सकते हैं, वो भी काफी लो क्वालिटी ग्राफिक्स में, वैसा नहीं जैसा मार्क ज़करबर्ग ने अपनी इस वीडियो में बताया था, जहां पर आप अपने एवेटार के कपड़े, घर, घर की चीजें मॉडिफाई कर सकेंगे, और वो सब बहुत ही हाई ग्राफिक्स में होगा। पर दोस्तों वैसा इमर्सिव मेटावर्स जहां पर चीजें एक्चुअली रियल लगे और वर्थ डूइंग लगे, वो बनाने के लिए अभी उतनी ना तो एडवांस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना ही मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए यूजर फ्रेंडली डिवाइसेस हैं। ये जो आप वीआर हेडसेट देखते हो ना, ये अच्छे तो बहुत लगते हैं और इनमें चीजें काफी रियल भी दिखती हैं, पर ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है कि आप इन चीजों को एक दो घंटे से ज्यादा पहन नहीं सकते। खुद मार्क ज़करबर्ग भी ये बोलते हैं कि ऐसा मेटावर्स बनाने के लिए कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे। अब दूसरा बेनिफिट जिसके बारे में ज्यादातर एनएफटी सपोर्टर्स बात करते हैं, आप गेम्स में अचीव्ड आइटम्स को बाय या सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप में से जिसको गेम डेवलपमेंट के बारे में पता होगा ना, वो ये चीज समझेगा कि किसी भी गेम में हर चीज जो आपको दिखती है ना, वो पॉलीगॉन से बनी होती है, पर कुछ पॉलीगॉन्स ऐसे होते हैं जो कोडेड होते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्वॉर्ड्स, गन्स, हीलिंग बैंडेज और खुद प्लेयर की बॉडी, इनको एसेट्स कहते हैं। तो किसी एक गेम के एनवायरनमेंट से दूसरे गेम के एनवायरनमेंट में आपको अगर नया एसेट डालना है, तो उसके लिए आपको नए एसेट को नए गेम एनवायरनमेंट के साथ कोड करना पड़ता है, अलग अलग एनिमेशंस डालनी पड़ती हैं। यानी फॉर एग्जांपल कोई शूटिंग गेम है, जैसे बड़ा ही फेमस गेम एपेक्स लेजेंड, उसमें पर बुलेट डैमेज मैक्सिमम 20 होता है, पर उस गेम में आप पबजी जैसे गेम की असॉल्ट राइफल नहीं डाल सकते, क्योंकि पबजी गेम्स की राइफल का बेसिक डैमेज 30 से शुरू होता है। और इसलिए अभी जितने भी अलग अलग मेटावर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उनमें एनएफटी का सिस्टम तो काम करता है, पर आप एक मेटावर्स में बनाई गई एनएफटी को आप दूसरे मेटावर्स में नहीं ले जा सकते। और दोस्तों ऐसे प्रॉमिसिंग यूज जो एनएफटी के बताए जाते हैं ना, वो 10 से 15 साल दूर ही हैं। बट स्टिल कोई वैल्यू ना होने के बाद भी आज की एनएफटीज इतनी महंगी क्यों बिक रही हैं? क्योंकि पहला रीजन, एक प्रैक्टिस जो एनएफटी साइट्स पर बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, वॉश ट्रेडिंग। दोस्तों मोस्टली आप कोई भी महंगी चीज जो खरीदते हो ना, उसमें आप दो चीजें देखते हो, क्या वो महंगी चीज यूजफुल है, और दूसरी क्या वो महंगी चीज की रीसेल वैल्यू है। तो कई एनएफटी ओनर्स अपनी एनएफटी की फेक सेलिंग हिस्ट्री बनाते हैं, जिससे बायर को ये यकीन हो जाए कि वो अगर इसे महंगा खरीद भी ले तो उसको आराम से उससे ज्यादा में बेच सकता है। इस चीज को एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मेरी एनएफटी है तो मैं 5 नए अकाउंट बनाता हूं, ए बी सी डी ई, और उन 5 के अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट्स भी होंगे। अब मैं अपनी एनएफटी सेलिंग पर लगाता हूं, फिर अकाउंट ए से $120 का खरीदता हूं अपने ओरिजिनल अकाउंट से, फिर अकाउंट ए से सेलिंग पर लगाता हूं, और फिर अकाउंट बी से $200 का खरीदता हूं, फिर बी से सेलिंग पर लगाता हूं और सी से $400 की खरीदता हूं। ऐसे ही एनएफटी घूमकर मेरे ओरिजिनल अकाउंट में भी आ जाती है, उसकी सेलिंग हिस्ट्री भी बन जाती है, और मेरी जेब से एक पैसा भी नहीं जाता एनएफटी की वैल्यू बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये चीजें होने के ना मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा, ऐसी प्रैक्टिस होती है, इसके सबूत भी है, जिसके बारे में CNBC, ब्लूमबर्ग, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट फर्म ने पब्लिश किया है, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन के 2 रिसर्चर्स ने यही चीज अपनी स्टडी में बताई है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। दोस्तों जैसे ये मोनालिसा की पेंटिंग है, उसको अच्छे कलर्स, ब्रशेस, कैनवस के साथ कोई भी अच्छा पेंटर बना देगा, पर स्टिल मोनालिसा की वैल्यू इतनी क्यों है? क्योंकि ये हिस्ट्री के सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक,
लियोनार्डो डाविंची ने उसे बनाया है, जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, और वो पेंटिंग हमारे पास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है और उससे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जुड़ी हैं। तो ये चीज़ बताती है कि असल में लोग पेंटिंग नहीं खरीदते, लोग लियोनार्डो डाविंची का ब्रांड खरीदते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ ना आप आने वाले समय में देखोगे कि कुछ समय पहले तक कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे मोस्टली सेन, बीबी की वाइंस या बाहर के बड़े इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अपने मर्च, बुक्स या कोर्सेज बेचते थे। अब दोस्तों इन्फ्लुएंसर के लोगो वाली शर्ट को आप पहन सकते हो, बुक्स से कोर्सेज से आप कुछ सीख सकते हो, पर एनएफटी बेचकर इन्फ्लुएंसर्स आपको सीधा सीधा अपने ब्रांड से पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसीलिए कई इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स ऐसे फेमस एनएफटी प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे एनएफटी प्रोजेक्ट्स का ब्रांड और उनका ब्रांड मिलकर दोनों का फायदा हो। नाउ जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा और वो लिमिटेड एडिशन के नाम से अपनी एनएफटी बेचेगा, उतना ही महंगा उस एनएफटी को लोग खरीदेंगे। ऐसा ही कुछ 2019 में मायामी के आर्ट फेयर में एक बहुत फेमस आर्टिस्ट मारिज़ियो कैटलान ने दीवार पर केला चिपकाने के तरीके को आर्ट बोल दिया और उस केले को उस तरीके से चिपकाने के राइट्स को सेलिंग पर लगा दिया, और फिर इस इंसान ने $1.5 लाख के वो राइट खरीद लिए और वो जो केला था वो खा लिया। दोस्तों ये ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा किसी 5 साल के बच्चे ने बनाई है, बट ये भी एक $1,000 की NFT है। इसके ओनर बहुत बड़े इन्वेस्टर गुरु भी माने जाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी माने जाते हैं, गैरी वेनरचक की है ना। वो ये खुद बोलते हैं 99-97% NFT जो लोगों के पास है वो यूजलेस है। इसी के साथ मैं आपको एक और डेटा बताना चाहता हूं जो एक्यूरेट तो नहीं होगा बट आप उससे एग्री जरूर करते होंगे। 99-97% लोग वो हैं जो इन्फ्लुएंसर नहीं है। अब इस डेटा में आप कोरिलेशन देख रहे हैं, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब दोस्तों जिस भी मार्केट में कोई भी चीज अपनी रियल वैल्यू से बहुत महंगी बिक रही होती है और एक्चुअल में उस चीज का कोई रियल यूज नहीं होता, उन मार्केट्स के लिए इकोनॉमी में एक टर्म है, बबल मार्केट। मतलब वो मार्केट जो बहुत तेजी से ऊपर जाती है, हर कोई उस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहता है, फिर एकदम से वो मार्केट बहुत तेजी से गिरती है, और स्पेशली जिन्होंने इस जगह अपना ट्रेड लिया होता है वो कभी भी लॉस से रिकवर नहीं कर पाते। ऐसी बबल मार्केट्स हिस्ट्री में कई बार आई हैं। 1700s में टूलिप बबल आया, ईयर 2000 में .com बबल आया, 2008 में हाउसिंग बबल आया। नाउ इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ऐसी बबल मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, पर कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इन सारे बबल मार्केट्स में कॉमन होते हैं। पहला साइन, जो चीज ट्रेड हो रही होती है ना मार्केट में उसका कोई एक्चुअल यूज नहीं होता। दूसरा साइन, लोगों के पास पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के कारण। तीसरा साइन, कई बड़े इन्वेस्टर्स और मार्केट गुरुज जिनको ये चीज पता होती है कि इस मार्केट में कुछ तो गलत चल रहा है, वो स्टिल इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो सब भी लोगों को वार्न करने के बजाय ट्रेंड की गंगा में सिर्फ हाथ धोना चाहते हैं। ऐसी चीज जो 2008 का रिसेशन आया था हाउसिंग बबल के कारण, उसमें भी हुई थी। नाउ ये सारे साइंस आप आज के एनएफटी ट्रेंड्स में भी देख सकते हैं, बट स्टिल मैं ये नहीं कहूंगा कि एनएफटी एक बबल मार्केट है, क्योंकि एनएफटी का जो रियल कोर आइडिया है ना, कि हर तरह की ओनरशिप को ब्लॉकचेन पर लाना और उसको फ्रीडम देना मोनेटाइज करने के लिए, ये चीज आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। पर वो टाइम ना काफी ज्यादा दूर है, और उस टाइम तक पहुंचने के लिए बीच में कई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रिजॉल्व करनी पड़ेंगी, जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी और स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज और कंट्रीज के बीच लॉ से जुड़ी। अब दोस्तों अगर आप कोई डिजिटल आर्ट या कोई भी डिजिटल फाइल को सेल करना है तो उसको आपको NFT बनाना पड़ता है, जिसके $150-$200 लग जाते हैं, इसको गैस फी कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका आर्ट वर्क कितना वैल्यूएबल है और आप ये कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं तो आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरी चीज कि यार ये जो बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं ना लोग, 69 मिलियन की NFT खरीद ली, यार ये लोग, ये बड़ी बड़ी फर्म्स पैसा लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। इन्होंने पैसा डालकर छोड़ दिया, वो बड़े तो इनके लिए बढ़िया है, वो ना भी बढ़े तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें।